फिल्म की शुरुआत में एक डरी हुई लड़की दिखाई जाती है। उसे ज़हनी सुकून नहीं है, किसी बात को लेकर वो इतना डरी हुई है कि काफी डिस्टर्ब है। उसके जिस्म पर अजीब तरह की काले निशान बने हुए थे और बार बार वो डॉल डॉल इन्हीं गुड़िया का नाम ले रही थी, जो बताते हुए वो काफी डर जाती है। इस डरी हुई लड़की के सामने उसका दोस्त बैठा था, जिसे ही वो अपनी सारी बात बता रही थी। तब वो लड़का उसे संभालता है, तसल्ली देता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, डरने वाली कोई बात नहीं है। पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ कि उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। और फिर तभी उसे अपनी दोस्त के पीछे एक बच्चे जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे उसकी आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो और डर गई, अपना कंट्रोल खो देती है। इसीलिए वो एक फॉक यानी कांटा लेकर अपने गले में घुसा लेती है। तेजी से उसका खून बहने लगा, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। यही पर एक डॉल भी पड़ी हुई थी, उसे दिखाकर ये सीन इधर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो हाल ही में एक नए टाउन में रहने के लिए आए थे, और आज के दिन वो एक चर्च में एक फेस्टिवल जिसे कम्युनियन के नाम से जाना जाता है वो मनाने के लिए आई थी। जैसे कम्युनियन यहाँ पर शुरू हुआ, हम इस फैमिली की बड़ी बेटी सारा को देखते हैं, जिसके साथ उसकी मॉम बैठी हुई थी। कम्युनियन खत्म होने के बाद सभी लोग बाहर आ गयी। यहाँ तभी एक घबराई हुई औरत सारा के पास आई और अपनी बेटी जिसका नाम मैरी सोल है उसके बारे में पूछने लगती है। वो बताती है कि इसी चर्च में एक कम्युनियन के बाद मेरी बेटी लापता हो गई थी, आज तक उसका पता नहीं चला, इसलिए यहाँ आकर मैं अपनी बेटी मैरी सोल के बारे में पूछने आती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी ने उसको यहाँ पर देखा होगा। तभी फादर और चर्च के और लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस औरत को वहाँ से ले जाकर दूर कहीं भेज देते हैं। अब ये फैमिली घर आ गई जहाँ पर सारा बोर हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त के साथ क्लब के लिए निकल जाती है। अब हालांकि उसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन आज यहाँ आकर उसे बहुत मजा आ रहा था। अपने दोस्त के साथ वो काफी इंजॉय करती है, यहाँ वो पहली बार नशा भी करती है ताकि उन्हें और मजा आए। अब ये नशा क्लब में एक लड़का बेच रहा था जो दरअसल एक ड्रग डीलर था। क्लब में डांस करते करते सारा की नजर अपने एक दोस्त पर पड़ी। पहले उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे को ऐसी नजर से देखते हैं जैसे उनके दिल में कुछ है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद सारा और उसके दोस्त घर जाने के लिए क्लब से बाहर आ गई। इनके सामने ड्रग डीलर की गाड़ी आकर रुकती है। उसकी गाड़ी में सारा का वो दोस्त भी बैठा हुआ था जिसे वो पसंद करती थी, और वो ड्रग डीलर की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो लड़का अजीब तरह की घटिया बातें करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी जंगल में ले जाने लगा, ये कहकर कि हम लोग थोड़ी देर और साथ रहेंगे और इंजॉय करेंगे। पर सारा की दोस्त कहती है कि ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, हमें मेन रास्ते से जाना है। पर वो बात नहीं मानता, इसीलिए दोनों की बहस होने लगती है। लेकिन तभी सारा एकदम से बोलकर गाड़ी रुकवा देती है, कहती है कि रुको जल्दी से गाड़ी, अभी अभी मैंने सफेद कपड़ों वाली बच्ची को देखा है। अब सारा को उसकी फिक्र होने लगी कि न जाने वो बच्ची कौन है जो यहाँ इस टाइम जंगल में घूम रही है, वो कहीं गुमना हो गई हो। इसलिए गाड़ी से बाहर आकर वो उसे ढूंढने लगती है, पर उसे बाहर एक डॉल के अलावा और कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उस डॉल को ही अपने पास रख लेती है, ये सोचकर कि ये भी जरूर उस बच्ची की ही होगी, और जब वो बच्ची हमें दोबारा नजर आई तो हम ये उसे दे देंगे। लेकिन बच्ची पूरे रास्ते दोबारा दिखाई नहीं दी, इसलिए सारा उस डॉल को अपने साथ घर ही ले आती है। ये डॉल बिल्कुल उसी लड़की की डॉल जैसी थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अगले दिन सारा जब नहा रही थी तो वो अपनी बाजू पर अजीब तरह का काला निशान देखती है, लेकिन सारा इसको नजरअंदाज करके अपने दोस्त से मिलने उसके पास चली जाती है, जहाँ उसकी दोस्त कहती है कि इस टाउन की मैंने एक कहानी सुनी है जिसमें एक कम्युनियन वाली लड़की जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था, कहा जाता है कि उसकी आत्मा लोगों को दिखाई देती है। उसके पास एक डॉल थी जो सबके मुताबिक कर्स्ड है, जिसे बुरा माना जाता है, जिसके पास भी वो होगी उसके साथ अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है कल रात सारा तुम्हें उस बच्चे की आत्मा ही दिखाई दी हो, ये डॉल उसी की कर्स्ड डॉल हो। पर सारा को इन बातों पर यकीन नहीं आता, इसीलिए वो फादर के पास जाती है ताकि वो जान सके कि सच में डॉल कर्स्ड है या बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो फादर डॉल को भी चेक करती है और ये भी बताते हैं कि नहीं और ना ये डॉल कर्स्ड है, बल्कि ये तो आम सी बच्चों के खेलने वाली डॉल है और कुछ नहीं। पर यहाँ हम फादर के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि उनके अंदर कुछ और ही चल रहा है, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद सारा घर आकर नहाने लगती है। एक बहुत ही ड्रावनी आत्मा जिसने भी सफेद कपड़े पहने हुए थे वो सारा पर हमला कर देती है। वो अपने खतरनाक से हाथों से उसका मुंह पकड़ लेती है, जिसके साथ ही सारा खुद को एक कुएं में पाती है जहाँ पर पानी भर रहा था। वो खुद को यहाँ पाकर काफी घबरा जाती है, और फिर तभी उस छोटी बच्ची की आत्मा जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे वो नीचे से सारा पर हमला कर देती है और उसे खींचकर पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। सारा दोबारा से ऊपर आ गई, डर की वजह से वो चिल्लाने लगती है, जहाँ तभी बाथरूम में आकर उसकी मोम डैड सारा को संभालती है, जो चिल्लाने की बात बेहोश हो गई थी। उसके मोम डैड उसे होश में लाते हैं और अब उन्हें सारा की ये हालत देखकर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर शक करने लगे थे कि ये जरूर नशा करने लगी है, इसी वजह से बेहोश हो गई थी। वहाँ से निकल जाती है अपने दोस्त के पास आने के लिए। उसे मिलकर सारा इस सब के बारे में उसे बताती है और अपने बाजू का निशान दिखाते हुए कहती है सब कुछ उल्टा सीधा भी हो रहा है, निशान तो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है। जिस पर यहाँ उसकी दोस्त भी हैरानकुन जानकारी देती है कि बिल्कुल ऐसा ही निशान मेरे कंधे पर भी बना हुआ है, जो कहकर वो सारा को भी अपने
अपना कंधा दिखाती है। अब यहाँ इन दोनों को लग रहा था कि ये जरूर उस ड्रग डीलर की घटिया नशे की साइड इफेक्ट से यानी उस ड्रग की वजह से हमारे जिस्म पर ही निशान पड़ रहे हैं, इसीलिए दोनों ड्रग डीलर से मिलकर उसे इस सब के बारे में बताती है। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नशे में कोई खराबी नहीं, हालांकि मैं खुद भी ये नशा करता हूँ लेकिन मुझ पर तो कोई निशान नहीं बना। पर यहाँ हमें पता चला कि ड्रग डीलर असल में झूठ बोल रहा है, क्योंकि जैसे वो दोनों वहाँ से गई ड्रग डीलर अपने सीने को चेक करता है जहाँ भी वो निशान बना हुआ था और तो और काफी बड़ा हो रहा था। अब सारा की दोस्त घर आ गई, उसकी डैड को शराब की बुरी लत है, वो हर वक्त नशे में रहने की वजह से अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, यहाँ तक कि उसे मारती भी है। इसी वजह से वो अपना ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारती है। थोड़ी देर बाद वो घर से निकलकर एक बार में गई और जब वहाँ की वॉशरूम में जाती है तो उसके साथ भी सारा जैसी डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि वो भी वहाँ उस आत्मा को देखती है जो उसे अजीब हरकतें करके डराने की कोशिश करती है। इससे घबरा गई और वो रोते हुए जल्दी से बाहर से भागे बाहर आई और फोन लगाकर सब कुछ सारा को बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। अचानक वो आत्मा आकर उसके दोस्त पर हमला कर देती है जिससे एकदम वो चुप हो गई। अब ये देखकर सारा समझ गई कि मेरी दोस्त मुसीबत में है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के पास आ गई जो भी बिल्कुल उसी तरह बेहोश पड़ी थी जैसे सारा भी हुई थी। अब यहाँ उसके दोस्त का जिस्म पड़ा था जबकि उसकी भी आत्मा को हम सारा की तरह कुएं में देखते हैं जहाँ उस बच्चे की आत्मा उसे भी मारने की कोशिश कर रही थी। अब इससे पहले कि बच्चे उसे जान से मारती, सारा ठीक वक्त पर उसे होश में ले आती है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब ये दोनों लड़कियाँ काफी डर गई थी और यह ड्रग डीलर के पास जाने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो आत्मा उस पर भी हमला करेगी। अब ड्रग डीलर दिखाया गया जिसे भी सच में वो आत्मा डराना शुरू कर देती है, यानी अपना खौफनाक चेहरा दिखाकर, जिससे वो इतना डर गया कि अपनी गाड़ी में बैठकर जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी गाड़ी के अंदर भी उसकी आत्मा जाती है जिससे वो इतना घबरा गया कि गाड़ी चलाने से उसका ध्यान हट जाता है। उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि मुंह के परे उसकी मौत हो जाती है, इसलिए काफी डरी हुई थी और रोने लगती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें। वो अपने उसी दोस्त के पास जाती है जो सारा को पसंद करता था और उसे वो सब कुछ बता देती है जो उनके साथ हो रहा था। वो यहाँ इन्हें बताता है कि सालों पहले बिल्कुल ऐसा दो लड़कियों के साथ हुआ था जो बहनें थीं, उन्हें भी ये डॉल मिली थी जिसके बाद उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जान ले ली। अब यहाँ उनका दोस्त उन्हीं दो बहनों के बारे में बात कर रहा था जिन्हें हमने शुरुआत में देखा, इन्हीं वो डरी हुई लड़की और उसकी बहन। अगले ही दिन ये तीनों उस डरी हुई लड़की के दोस्त से मिलने के लिए चले जाती है जहाँ वो बताता है कि हाँ उन दोनों बहनों ने खुद अपनी जान ली थी जिसके बाद ये डॉल के पास ही अपने आप ही गायब हो गई। यहाँ इनको ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि सारा के पास जो डॉल है ये वही डॉल है जो उनके पास भी थी जिसकी वजह से वो आत्मा सबके साथ ऐसा करती है। ये चारों काफी घबरा गई और फादर के पास जाते हैं, लेकिन जब ये चर्च पहुँची तो वहाँ फादर तो नहीं थे बल्कि इन्हें वहाँ काफी साल पहले 1998 की कम्युनियन वाली रेल मिल जाती है जिसे चलाने पर ये मैरीसोल नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो उस वक्त कम्युनियन का हिस्सा थी और उसके हाथ में यही वाली डॉल थी, जिससे यहाँ ये बात सामने आई कि बच्ची की आत्मा असल में मैरीसोल की आत्मा है। अब यहाँ को उस औरत के बारे में याद आया जो कम्युनियन वाले दिन चर्च के बाहर अपनी बेटी मैरीसोल को ढूंढते हुए आ गई थी और मैरीसोल क्योंकि उस औरत की बेटी थी इसलिए ये तीनों अब उससे मिलने का फैसला करते हैं। पर यहाँ इन तीनों पर वो आत्मा दोबारा हमला कर देती है और इस बार वो डराने के लिए सारा के दोस्त को चुनती है क्योंकि बस वो ही रह गया था और अब बारी उसी की थी, जिससे यहाँ हम समझ पाए कि उस रात की चारों ही गाड़ी के अंदर थी, यानी सारा उसके दोनों दोस्त और ड्रग डीलर, और डॉल क्योंकि चारों को ही मिली और दिखी थी इसलिए उसी वक्त ये चारों ही चुन लिए गई थी यानी उस आत्मा की नजरों में आ गई थी, जिसके बाद आत्मा सारा और उसकी दोस्त पर हमला करके दोनों को अलग अलग कमरों में फेंक कर वहीं पर बंद कर दी थी। जहाँ सारा बंद थी उस कमरे में वो फादर की लाश को देखती है जिनके भी हाथ पर वही निशान बना हुआ था, यानी कि उन्हें इस आत्मा ने ही मारा था। वो आत्मा अब सारा के दोस्त को मारने की कोशिश करती है, यहाँ उसे बेहोश कर दिया था और उसकी आत्मा को कुएं में ले जाकर डुबोने की कोशिश कर रही थी। फिर ठीक वक्त पर यहाँ वो दोनों आकर अपने दोस्त को होश में ले आती है और ऐसी उसकी जान बचा ली जाती है। उनके इस दोस्त के ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही निशान बन गए थे। वे जल्द से जल्द मैरीसोल की मॉम के पास जाना है, पर तभी यहाँ सारा के दोस्त के डैड आ जाते हैं और क्योंकि वो कॉलेज नहीं जा रही थी इसीलिए वो उसे काफी डांटती है। वो फिर से उसे पीटने लगती है जहाँ वो आत्मा भी दोबारा से सारा के दोस्त को डराकर उस पर हमला कर देती है, पर इस बार वो खुद को बेहोश होने से तो बचा लेती है लेकिन डर की वजह से उसने अपने डैड पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे दुखी होकर वो काफी रोने लगी। अब सारा और उसका दोस्त मैरीसोल की मॉम के पास पहुँच जाते हैं, मैरीसोल के बारे में पूछती है और अपना अपना वो निशान भी दिखाती है, जो देखकर वो औरत समझ जाती है कि जो कर्ज मेरी बेटी पर था वो अब इन लोगों पर भी आ चुका है। बताती है कि मेरी बेटी के जिस्म पर अचानक से इस तरह के निशान बनने लगी थी जिस वजह से हर कोई उसे दूर भागता था और उसे प्यार नहीं करता था। वो हालांकि बच्ची थी, जो प्यार उसे चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला। कम्युनियन वाले दिन भी सब उसका मजाक बना रही थी इसलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग गई, जिसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। उसकी मॉम रोने लगी, तब सारा उन्हें तसल्ली देती है कि आप घबराएं नहीं, अगर मुझे आपकी बेटी की आत्मा दोबारा मिली तो मैं उसे
उसे जरूर प्यार करूंगी। जो कहकर ये दोनों यहाँ से चली गई। अब इनसे मिलने सारा की दोस्त आई, जिसके बाद ये तीनों उस आत्मा की तलाश में निकल जाती है। जैसे एक वीरान जगह पर पहुंची, बच्ची की आत्मा दोबारा सीन पर हमला करने लगी और बार बार मारने की कोशिश करती है। वो फिर सारा पर हमला करती है और उसे खींचकर दोबारा से उस कुएं में ले आई। सारा के सामने उस बच्ची की आत्मा थी सफेद कपड़ों में, जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ वो सारा की जान लेने उसे तकलीफ देने की बजाय उसके गले से लग गई। ये देखकर सारा घबराहट हो गई। लेकिन तभी उसे इस बच्ची यानी मैरी सुल की मोम की बातें याद आने लगी कि उससे प्यार कभी नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त हर कोई उससे दूर रहता था, प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसका पूरा ही जिस्म निशानों से जो भर गया था, यहाँ तक कि कोई भी उसे छूने से भी डरता था। तो अब यह सारा समझ गई कि मैरी सुल चाहती थी कि लोग उससे बिना डरे उससे प्यार करें, इसलिए मैरी सुल को भी वो गले से लगा लेती है। लेकिन तभी उस कुएं में पानी पड़ने लगा, इसमें सारा डूबने लगती है, लेकिन वो फिर भी मैरी सुल को नहीं छोड़ती, उसे गले से लगा के ही रखती है। अब ये चीज उसकी आत्मा ने देख ली थी, इसलिए वो खुद ही यहाँ से चली जाती है। और अब सारा के हाथ में उसका स्केलेटन इन्हें ढांचा आ गया था, जिसके फौरन ही बाद सारा कुएं से बाहर आ गई। और अब उन्हें लग रहा था कि सब ठीक हो गया है। ये दिनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। दोनों लड़कियाँ किचन में जब अपने लिए कुछ बना रही थी, तो कमरे में वापस जाने पर सारा देखती है कि उसकी छोटी बहन ने उस डोल को हाथ में पकड़ा हुआ है। तब सारा जल्दी से वो डोल उसके हाथ से छीन लेती है, लेकिन हैरत वो निशान अब उसकी छोटी बहन के भी हाथ पर बन गया था, जो देखकर सारा सोच भी बढ़ जाती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि बच्ची की आत्मा तो जा चुकी थी। उसकी आत्मा को सुकून मिल गया था क्योंकि सारा ने उसे प्यार जो कर लिया था। लेकिन तभी वहाँ कमरे में अजीबोगरीब डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि लाइट्स जल बुझ रही थी और बेड अचानक से ऊपर उठा और फिर दूर जाके गिरता है, जिसके साथ ही कमरे के एक कोने से एक डीमन यानी शैतान की जैसी आत्मा बाहर आती है। और अब इसी के साथ कहानी मैरी सुल के पास्ट यानी माजी में चली जाती है, जहाँ हमें पता चला कि ये डोल असल में मैरी सुल की भी नहीं थी, बल्कि उसे तो ये खुद जंगल में से मिली थी जब वो खेल रही थी। उसने जैसे डोल को हाथ में लिया, तभी से उसके जिस्म पर ये निशान बनना शुरू हो गई थी, यानी कि ये डोल काफी पहले से ही कर्ज थी। जो इस डोल के अंदर था वो कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि वो था एक डीमन, एक खतरनाक शैतान, जो कि सभी को ऐसे मारता है। इन्हें डोल के जरिए पहले उन्हें कर्ज करता है, फिर उन्हें बेहोश करके आत्मा को ले जाकर उनकी जान लेता है। मतलब कि एक बार अगर इस डोल को किसी ने छू लिया तो इसके अंदर का शैतान उसको कभी नहीं छोड़ेगा। और अब खतरा सारा की बहन को था। यहाँ ये बात भी साफ हो गई कि किसी को भी मैरी सुल ने नहीं मारा, बल्कि वो तो हर बार सभी को इसलिए नजर आती थी क्योंकि वो यहाँ इन्हें समझाने आया करती थी कि उस डोल से दूर रही और इस निशान की वजह से नफरत ना फैलाएं, इस तरह के वहम से दूर रही और सबको प्यार करें अपनाएं, जो प्यार उसे कभी नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ डिमांड कर रहा था और उसने मैरी सुल पर बस अपना कंट्रोल किया हुआ था। और अभी कष्ट तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस डोल को तबाह न किया जाए। स्ट्रॉन्गली एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।